हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में पीपीएमटी और आईपीएमटी फॉर्मूले का क्या यूज है और कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, वो आज की क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो याद करो, कल हमने आपको कुछ पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था ध्यान से सुनना है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं एक प्रोडक्ट क्या कार खरीद रहा हूं, क्या खरीद रहा हूं, खरीद रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे उस कार का जो प्राइस है, क्या है प्राइस है, वो कितने का है, डाउन पेमेंट कितना दिया, लोन, ब्याज कितने मंथ के लिए। तो जो हमारा ईएमआई निकल के आया, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो निकल के आया, कितना निकल के आया, 3,960 रुपये 25 पैसा। लेकिन आप बताओ, ये जो 3,960 रुपये 25 पैसा जो आया है, यह केवल लोन अमाउंट आया है कि ब्याज के साथ आया है, बोलिए जरा। ये 3,960 रुपये आया, वो किसके साथ आया है जी। हर महीने का जो किस्त बना है, तो कुछ पैसा लोन अमाउंट का है और कुछ जो ब्याज बना उसका, वह टोटल जोड़ के आया 3,960 रुपया 25 पैसे। और यह पैसा 60 महीने तक इतना ही देना है, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, तुम्हारी मर्जी, ज्यादा दे दो अलग बात है जाके वहां पे, ठीक है। लेकिन प्रोसेस यही है, ठीक है, ब्याज तो उतना ही लेगा वो। तो ध्यान दीजिएगा, यह मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हमसे अब कोई पूछ दे कि चलो आप पहले मंथ में हमको बता दो कि 2 लाख में से कितना रुपया दिए थे और ब्याज कितना दिए थे, फिर से दूसरे महीने में 2 लाख में से कितना दिए थे उसका ब्याज कितना दिए थे, फिर से तीसरे महीने में आप 2 लाख में से कितना दिए थे उसका ब्याज कितना दिए थे। तो अगर वैसे निकालने के लिए अगर आपसे कोई कह दे तो आप लोग नहीं निकाल पाए इजीली तरीके से, कोई भी कैलकुलेशन लगाओगे नहीं कर पाओगे, समझे ना। इसके लिए फार्मूले का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कहा जाता है कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट निकालना हो, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जितने का हमारा फाइनेंस है, लोन है, और पहले महीने में प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रहे हैं उस लोन में से, तो उसके लिए हम लगाएंगे पीपीएमटी, मतलब प्रिंसिपल पेमेंट कितना कर रहे। और अगर उसी का ब्याज हमको पता करना है कि पहले महीने में ब्याज कितना दे रहा है, 2 लाख पे कितना ब्याज लगा था, ठीक है, उसे लगाते हैं फॉर्मूला आईपीएमटी, जिसे बोलते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट कितना कर रहे हैं। तो देखो यही यहाँ पे वैल्यू आया है, क्या आया है, तो पहले महीने में हम 3,960 रुपये 25 पैसे में दिए थे प्रिंसिपल अमाउंट 2,793 रुपये 59 पैसा, और जो ब्याज बन के आया था वह 1,166 रुपये 67 पैसा बना था, और टोटल जोड़ के कितना बना था, 3,960 रुपया 25 पैसा। मतलब ये पैसा लास्ट तक इतना ही जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही फिक्स करके रखा है कि हर महीने इतना दे पाऊं, और उसी के हिसाब से ईएमआई बनाया गया है। तो यह पैसा जो है ना, वो 60 महीने तक इक्वल ही जाएगा, और जब तक इक्वल 60 महीने तक नहीं जमा करेंगे ना, तब तक हमारा लोन जो है, जो फाइनेंस पे है, वो पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो यह किसी मंथ में चेक करोगे तो यह बैलेंस सबका बराबर आएगा, तो घटेगा बढ़ेगा क्या, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अब बताइए कैसे, मान लो आपने हमसे 1,000 रुपये ले लिया और मैंने ब्याज पे दे दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल 2% या 3%। तो आप बताइए, अगर आप इस महीने के लास्ट में जब आप ब्याज दोगे, तो अगर केवल ब्याज दोगे, तो सपोज मान लो 100 रुपया बना था एक महीने में, तो अगर 100 रुपये हमने दे दिए तो हमारे 1,000 के 1,000 है ना, फिर तो अगले महीने उतना ही पड़ेगा 100 रुपया। इसमें ऐसी बातें नहीं, इसमें बात यह है कि जो 2 लाख आपने लोन फाइनेंस कराया है, अब पहले महीने में ब्याज कितना दे दिए और उस 2 लाख में से कितना दे दिए, यही बता रहा कि 2 लाख में से कितना दे दिए, मतलब रियल अमाउंट, जो जेन्युइन अमाउंट था, जो 2 लाख उसमें से हमने दे दिया लगभग 2,793 रुपये, और टोटल ब्याज जो बना था 2 लाख का कितना बना था, 1,166, ठीक है, 67। मीन्स मतलब यह है
कि यहाँ पे जो वैल्यू आया है ना, अब अगले महीने में यह 2793 रुपया घट जाएगा। किससे घट जाएगा? 2 लाख से घट जाएगा। तो आप बताओ, जब 1,000 था और ब्याज क्यों ले लिया था, और उस प्रिंसिपल अमाउंट में सब कुछ पैसा नहीं लिए थे, तो अगले महीने में ब्याज वही रहेगा। लेकिन वही मान लो आप 200 दे दिए, तो 100 रुपया ब्याज एडजस्ट हो गया, और 1,000 में 100 रुपये अब माइनस हो गया, तो 900 पे तो ब्याज जोड़ेंगे। तो वही यहाँ पे है कि जो 2 लाख में से 2700 दे देते हैं, तो अगले महीने में जो बचता है 97,000, उस पे ब्याज लेता है। तो आप बताओ, 1 लाख पे जो ब्याज था, वह आज जो अभी 95 पे जो रहेगा, वह दोनों में फर्क होगा कि नहीं होगा? होगा। तो उसीलिए देखो, यहाँ पे 1166 हो गया, और अगले महीने वो पैसा घट के आ गया 50। मतलब पहले महीने में जो ब्याज दिए थे वो 1166 दिए थे। क्यों दिए थे? वो 2 लाख पे लगा। ब्याज तो कम ज्यादा नहीं हो रहा है ना, 7% ही है। दूसरे महीने में 7%, तीसरे महीने में 7%, 60 महीने तो उतना ही लगेगा, सालाना ही लगता है। लेकिन आप बताओ, यहाँ पे घट गया ना, अब घटा कैसे बताइए? घटा ऐसे कि 2 लाख का जो रियल अमाउंट था, उसी में से 2700 माइनस कर दिया गया है, उस पे ब्याज जोड़ा गया है, इसीलिए कितना कम हो गया है? लगभग 16 रुपये। दूसरे महीने क्या हो गया? 16 रुपये कम हो गया। लेकिन ध्यान देना, जो टोटल अमाउंट रहेगा उतना ही रहेगा। आपको सही कैसे? तो ब्याज निकाल लेगा, अब उसके पास से कितना अमाउंट और बन रहा है उसमें से, जो इतने के बराबर आ जाए उतना फिर से दिखा देगा। कितना दिखा दिया? 2809। देखो फायदा क्या हो रहा है इसमें, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जा रहा है और ब्याज घटता जा रहा है। बोलो, मतलब मेरे पास क्षमता है कि 3,960 रुपये जमा कर दूंगा, ठीक है? तो ब्याज 3,960 आ रहा है, तो मूल में से क्या देंगे? बोलो, जो मेन फाइनेंस में लिया उसमें क्या देंगे? देखिए मेरे पास आ जा रहा ज्यादा, बोलो, तो मैंने इंस्टॉलमेंट बनाया है। तो देखो यहाँ पे ब्याज देते जा रहे हैं और प्रिंसिपल अमाउंट भी देते रहा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता गया हमारा और इंटरेस्ट हमारा घटता गया। हमको देना तो उतना ही है, तो दोनों जोड़ के फिर से उसी महीने में देखो इतना ही आएगा, हर महीने में उतना ही आएगा। आ कहाँ तक ये जाएगा? पूरा 60 महीने तक इतना ही जाएगा। देखो ड्रैग कर दे, 60 महीने के बाद 0 हो जाएगा। देखो 60 पे आ जाते हैं। अगर एक हम बढ़ा भी देते ना यहाँ पे अमाउंट, जो नंबर ही बढ़ा देते 400, ठीक है? लेकिन बहुत समझदार है, कहेगा नहीं 60 महीने तक बना ही था, इसी देंगे। बोलो, सीरी तो वही था, तो एक ड्रॉप वैसे ही कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब ऐसा कर, इसके लिए फॉर्मूला चेंज कर दिया है, क्यों नहीं आ रहा है? तो पहले बताया था 60वें महीने में जमा कर देना पूरा, तो 60 महीने पूरा फाइनल होगा, तब तुमको क्या ये पैसा दूंगा? नहीं दूंगा, इसीलिए नम 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 आ रहा। क्लियर है ना? मतलब एरर दे रहा है, या हैज नम आ सकता है, क्यों हैज आ सकता है, ठीक है, या हैज नॉट अप्लीकेबल आ सकता है, ये बहुत सारे एरर आते हैं। हैज ज्यादा एरर कब आता है? जब कॉलम का बीच कम होता है, चौड़ाई उसकी कम होती है, बढ़ा देंगे एरर खत्म हो जाएगा। और ऐसा कब आता है? जब वैल्यू फिक्स ना हो और वो ऐसे कंडीशन में ज्यादातर आता है, ठीक है? तो चलिए, ये ज्यादा परेशान नहीं होना है, हम काम करते करते सीख जाएंगे कौन सा एरर किसके लिए है। मतलब इतना समझ जाओ, 60 महीने का था और 2 मंथ और बढ़ा दिए, इसलिए एरर ऐसा आया है। क्लियर है ना? बोलो, आपको सर फिर भी विश्वास नहीं हुआ, सर कैसे आप बता रहे हो? तो चलो, कहो सर ज्यादा नहीं हो जाएगा? कुछ नहीं ज्यादा होगा, ऑल्ट इक्वल कर दिए, आ गया प्रिंसिपल अमाउंट 2 लाख। बोलो, इतना ही तो प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा, अब 2,01,000 जो आया उससे मतलब नहीं है, डेसिमल से दिक्कत होती है। और ब्याज ऑल्ट इक्वल आ गया 37,614, यही तो कल निकाले थे हम। अरे 36,615 निकाले थे, और टोटल वैल्यू कितना आ गया? 2,37,615,22। बोलो, कल जो हमने डायरेक्टली निकाला था वो हमने आज इस फॉर्मूले से निकाला, मतलब जितना देना था उतना ही दे रहा है।
ब्याज पहले जितना देना तो उतना ही दे रहे हैं, और जितना टोटल अमाउंट देना तो उतना ही दे रहे हैं। इस फॉर्मूले का यूज इतना ही है कि बस हम ज्ञात कर सके कि हर महीने हमारा लोन में से कितना देते जा रहे हैं और हर महीने में उस लोन का ब्याज कितना बनता जा रहा है। और यह कहाँ पे होता है, हर एक फाइनेंस कंपनियां ऐसी कराती हैं, चेक करती हैं। अब ऐसा मत सोचना हमेशा एजेंसी के लिए पढ़ा रहे हैं, यह एजेंसी पे फॉलो नहीं करता है, हर जगह फॉलो करता है जहां पे हमने फाइनेंस में कुछ पैसा, ठीक है, फाइनेंस कराया लिया है और ब्याज देना है और किस्त वाइज हमको देना है। कई सारे ऐसे बैंक वाले हैं जो खूब पैसा दे देते हैं बिजनेसमैन को और हफ्ते वसूलते हैं अपना बंदा भेज के, फाइनेंस वाले, ठीक है, और हर हफ्ते में जाएगा दुकान से कुछ वसूल के लेके आएगा। या कई लोग महीने पर कहते नहीं महीने पर आइएगा, तो हर महीने पर लाके देते हैं लोग। क्लियर बाबू, बना लोगे ना? तो कहीं जाओगे अगर बैंक से लेके रिलेटेड या किसी एजेंसी से रिलेटेड, तो यहाँ पे समझ फार्मूला रट के ही जाना, पढ़ के ही जाना, सबसे पहले पूछा जाता है, समझे ना? क्लियर है सबको? चलो, लेकिन निकालना तो बताया नहीं अभी, तो केवल डिटेल बता रहे इसके बारे में। चलो निकाल के सीखते हैं, तो पूरा डिलीट कर देता हूँ, शुरू से बताता हूँ। अब मंथ पहले लिखेंगे, वन हेडिंग बना लेंगे ऐसे, टू ड्रैग एंड ड्रॉप, सिक्सटी तक हो गया। अब हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो देखो, इक्वल लिखेंगे PPMT ब्रेकेट ओपे, सेम कल जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है बता रहा हूं, पहले पूछा जरा रेट, तो आप बताओ क्या सेलेक्ट करेंगे, भूल गए ना जल्दी? परसेंटेज इंटरेस्ट को, रेट में क्या लेंगे, इंटरेस्ट। तो कहाँ इंटरेस्ट है, जो पहले से निकाल कर रखे उसी में से सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि डाटा वहीं से निकाल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट सेलेक्ट करने के बाद ना, यह फोर बटन दबा के फिक्स करेंगे, या फोर बटन दबा के फिक्स करेंगे। आपको सर यह लॉजिक हमको समझ में नहीं आया, यह फिक्स करने का क्या मतलब है? तो देखो, यहाँ पे डॉलर लग गया और बी आ गया, यहाँ पे डॉलर लग गया, 11 आ गया, मतलब इस सेल को हम लॉक कर दिए। लॉक करने का मतलब, याद करो मैंने मार्सी जब पढ़ाया था तो बताया था कि एक बार फार्मूला लगा देते हैं, और जब ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं तो B11 हो, तो जब ड्रैग करेंगे तो B12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, समझे ना? लेकिन यहाँ पे तो ऐसा करना नहीं हमको, क्यों? क्योंकि वो 7% फिक्स है, बोलो 7% फिक्स है, अब कहीं तो जाए लेकिन 7% ही आए, तो इसके लिए मैं क्या किया, लॉक कर दिया, ये फोर बटन दबा के। अब कहो सर लॉक ना करते तब तू रिफ्रेश ये समझ लेता, 11 12 तो 60 की तरह ले लेना था, तो वैल्यू पता नहीं क्या आता, उसके बाद यह वाला ले लेता, उसको तो कुछ है ही नहीं है, सब एरर आ जाता, समझे ना? मतलब रेंज इधर समझ लेता पूरा, ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब 11 से लेकर जहां तक चले जाओ। लेकिन इसलिए मैं कहा नहीं सर, कहीं पे भी जाए नीचे, इतना वो ड्रैग एंड ड्रॉप करे, परसेंटेज घटना बढ़ना नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए, 7% ही होना चाहिए। अब वो 7% किसमें है, B11 में है, इसलिए B11 को क्या कर दिया, लॉक कर दिया। तो ध्यान देना, जब भी अगर कोई कहता है किसी सेल को फिक्स करना हो और वहीं पे लॉक करना हो, तो क्या बताओगे, या फोर बटन दबाते हैं, क्यों फिक्स करते हैं, सेल रिफरेंस बार बार चेंज ना हो, फिक्स हो जाए, चाहे वो कहीं तक ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप करे, उसे मतलब नहीं है, ठीक है? अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हमारा वही वैल्यू आएगा जो फर्स्ट में है सेकेंड में है। तो चलिए अब करेंगे सेम वही रूल, डिवाइड बाई 12, बस एक बड़ा क्या इसमें फिक्स करना है काम। उसके बाद से पूछा पर, मतलब पर का मतलब है पर मंथ का देखना है, तो यहाँ पे जो अभी मंथ वाला लिखे हम, जो हाल ही में आज नया बना है, वो वाला मंथ सेलेक्ट करेंगे, न्यू मंथ, समझे ना? और कर देंगे काम, इसको फिक्स नहीं करना है आपको। ये क्या, क्यों नहीं फिक्स करना इसको, क्योंकि इसका सेल रेफरेंस हमको फिक्स नहीं करना है। पहली बार दूसरे मंथ का देखना है, दूसरे के बाद तीसरे मंथ का देखना है, तीसरे के बाद चौथे मंथ का देखना है, इसलिए इसको फिक्स नहीं करें। चलिए आते हैं
और उसके बाद अगला है एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड, और कितने मंथ के लिए, टोटल 60 मंथ के लिए। लेकिन आप बताओ यहाँ पे B12 आ गया, अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि 60 लेके चलना है, 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या करना पड़ेगा, F4 दबा के लॉक करना पड़ेगा, इसको फिक्स करना पड़ेगा काम। अब कह रहा प्रेजेंट वैल्यू, मतलब लोन अमाउंट क्या है, कितने का फाइनेंस है, 2 लाख, 2 लाख को सेलेक्ट करेंगे। और आप बताओ इसको फिक्स करेंगे, करेंगे क्यों नहीं, क्योंकि 2 लाख के बाद 7% आ जाएगा नीचे, इसलिए उसको भी लॉक कर देना, 2 लाख से कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ कम ज्यादा कब होगा, जब उसी सेल में अमाउंट कम ज्यादा करेंगे तो। बोलाओ अब 2 को हम 5 लाख भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन आएगा, 60 है वहां पे 12 कर सकते हैं तो भी आएगा, लेकिन सेल का रिफरेंस चेंज नहीं करना, बताने की यह कोशिश कर रहा हूँ। यह नहीं कि 2 लाख पे फिक्स कर दिया और 4 लाख लिखेंगे तो नहीं कैलकुलेशन करेगा, 4 नहीं 8 लाख लिखो कोई दिक्कत नहीं, आएगा ही आएगा, लेकिन वो दूसरे सेल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन दूसरे सेल में जाएगा तो गलत हो जाएगा। अरे तो यही तरीका है तो क्या करोगे, तो वो इसे बनाओगे अलग अलग, मतलब हॉरिजेंटली, और सब में लिख दो 2 2 लाख 2 2 लाख 60 महीने तक, मतलब खींचो ड्रैग एंड ड्रॉप करो, तो लंबा प्रोसेस है, कौन बनाएगा, किसके बाद खींचो, इसीलिए हम यहाँ पे फिक्स कर दिए। और इसको क्या करना है, 3 चीज को फिक्स करना है, इंटरेस्ट, नंबर ऑफ पीरियड और लास्ट में पीबी, इसके अलावा कुछ नहीं फिक्स करना है। अब कर देंगे काम, कहेगा फिक्स नहीं किए हैं, हाँ करना पड़ेगा, या फोर काम, या फिर भी फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं है इसलिए कर देंगे 1, ब्रैकेट को कर देंगे बंद, इंटर। देखो 3960.25 रुपए में कितना आया, 2793.59 रुपए आ गया। चलो वैसे हमको क्या निकालना है, ब्याज, तो सेम वही रूल है, जहां पे पी है वहां पे आई कर देंगे, कुछ चेंज नहीं करना है, इक्वल IPMT सेम वही है। तुम लोग खुद बताओ रेट में क्या लें, इंटरेस्ट क्या करें, या फोर बटन आके फिक्स करें, लॉक मत बोलो, ज्यादातर फिक्स करो अच्छा रहेगा, क्या करें, यहां डिवाइड बाई 12 काम, हाँ न्यू मंथ जो हमने हाल ही बनाया है काम, उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड, टोटल मंथ, टोटल मंथ 60 मंथ जो है क्या करेंगे, हाँ या फोर बटन फिक्स कर देंगे, उसके बाद काम, हाँ लोन अमाउंट क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, काम 1, ब्रेकेट बंद, इंटर, आ गया। अब टोटल जोड़ दो, बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा है, अगर जिसका बराबर नहीं आएगा समझना कहीं ना कहीं गलती किया हो, बराबर आना चाहिए, आज 60 महीने तक बराबर आना चाहिए, 1 भी रुपये कम नहीं होना चाहिए, कैसे, तो यहाँ पे अल्ट इक्वल किया और यहां से लेके यहां तक क्या किया, दोनों को सेलेक्ट कर लिए, इंटर दबाया, कितना आ गया, 3960.25 रुपए आया। अब तीनों को सेलेक्ट करेंगे और नीचे डबल क्लिक कर देंगे तो भी तो आ जाना चाहिए, क्योंकि रेंज हम बता चुके कहां तक आ जाएगा, बहुत समझदार है। हर महीने तेरे को बराबर बैलेंस गया है, अब हमारा मालिक हमसे पूछे या हम खुद चेक करना चाहते हैं अपना, कि पहले महीने में ब्याज कितना दिए थे, दूसरे महीने में कितना दिए थे, तीसरे महीने में कितना दिए थे, चेक कर लोगे ना, लेकिन इतना सा चेक कर पाते क्या, नहीं कर पाते, इसलिए फार्मूला बनाया गया है, और ये भी एक फाइनेंशियल फंक्शन है, क्या है, ये भी एक फाइनेंशियल फंक्शन है, अगर कोई पूछ दे कि पीपीएम